विश्वकर्मा पूजा के दिन दुर्ग के बेलौदी घाट में 7-8 युवक पिकनिक मनाने पहुंचे, जिसमें नहाने के दौरान एक युवक डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और SDRF द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया गया, परंतु अंधेरे की वजह से कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। रविवार की सुबह 15 से 20 मछुआरों की टीम घटना स्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद डूबे हुए युवक का शव ढूंढ निकाला। मछुआरों के इस ग्रुप द्वारा इस बरसात में लगभग 20 से 25 शवों को विशेष सर्चिंग अभियान चलाकर नदी से ढूंढकर निकाला गया है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी मछुआरा समाज के अध्यक्ष ने मीडिया को इस प्रकार से दी है। यह घटना भैया, एक हमारे दुर्ग शहर का जो लड़का है 32 वर्ष का है, वो तालाब में नदी में डूब गए। ये घटना कल भैया विश्वकर्मा पूजा में सब अपना पार्टी मनाने के लिए आए थे, 6-7 लोग का इकट्ठी है, वो एक साथ दोस्त यार सब आए थे। ये सब कल शाम को 5 बजे लगभग डूब चुका है ऐसा बता रहे हैं। एक्चुअल में सर ये कोई NDC टीम जो आता है, जो डूबा है उसको RFT टीम, वो उनको बुलाए थे शासन के द्वारा, मगर वो निकाल नहीं पाए। उसके बाद हमारे जो टीम जो है मछुआरा टीम, मछुआरा भाई लोग जो हुए वो मेरे को कॉल किए, यहाँ का जो पार्षद है वार्ड पार्षद शंकर ठाकुर और भाई कमलेश फेकर जी, तब मैं अपने पूरे टीम को यहाँ पर तुरंत कॉल करके बोला कि यहाँ एक बॉडी है डूबा हुआ है उसको निकालना करके, तो तुरंत अपने काम हमको सबको छोड़ के तुरंत यहाँ नदी आए और निकालना स्टार्ट किए। ये 22 लोगों का टीम है भैया, मगर अभी क्या तत्काल में 5 से 10 लोग आए थे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा हम लोग को इसको ढूंढने में, तुरंत 5 से 10 मिनट निकाल भी दिए। मैं पिछले समय आपके न्यूज़ के द्वारा फिर बताया था भैया कि हम लोग जो कार का जो निकाले थे सिन्नार नदी में जो डूबा था, उसमें हमारे मछुआरे भाई को सम्मान देंगे, कुछ राशि के भी बात किए थे जो कि 15 अगस्त में तो नहीं किए। और मैं यही बोलना चाहता हूँ भैया कि इन लोग जो अपना काम धाम छोड़ के, गरीब परिवार से पूरे मछुआरे लोग जो अपने जान को जोखिम में डाल के अपना ये सब निकालते हैं बॉडी वॉडी, तो शासन प्रशासन के द्वारा कुछ इनको सहयोग दिया जाए। क्योंकि जैसे ही अभी हमको बुलाया वो परिवार सो का जिनके बॉडी ख़त्म, वो उनके जो डेड हुआ है उनके परिवार के लोग बुलाए हैं, अब उनसे हम क्या मांगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वो अपने गम में डूबा हुआ, अपने शोक में डूबा हुआ है, उनसे क्या उम्मीद रखें। कम से कम शासन प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि इनको जो मछुआरे भाई है उनके लिए कुछ ना कुछ सुविधा करे, कुछ ना कुछ राशि का वो दे कि जिसमें इन लोग का भी अपना जान जोखिम में डाल रहे, तो अपना काम वाम छोड़ के आ रहे हैं, तो इन लोगों को मिलेगा तो अच्छे से और काम करेंगे। क्या पिछले समय जो कार को निकालने के बाद में, सिन्नार नदी निकालने के बाद में अभी 17 बॉडी और निकाल चुके हैं भैया, 17 बॉडी अभी पिछले कुछ दिन पहले नेवई डैम में भी निकाले हम लोग, सरदार जी का बॉडी था। तो क्या है सर, जब तक कि हमारा भी जान में झोंकी में रहता है, हमारे जितने भी भाई बंधु लोग आते हैं धार रहते हैं और अंदर में बहुत सारा इतना कठिन रहता है निकालना भी है, पर हम लोग क्या है किसी का दुख देख के हमारे पर समाज वाले लोग तो तुरंत कूद जाते हैं नदी में, धार वार भी नहीं देखते, अपना जान झोंकी में डालते हैं। यहाँ का जो छत्तीसगढ़ शासन का माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, तो मछुआरा जी लोग से अच्छे संबंध है उनका, तो अगर वो इस आपके न्यूज़ के माध्यम से अगर सुन रहे होंगे मेरी बात, तो इसलिए मछुआरा भाई लोग के लिए कुछ भी सहायता